वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो साइंस की वर्कशीट है और 30 सितंबर की वर्कशीट है। और भोजन के घटक में आज हम प्रोटीन के बारे में जानने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था, ठीक है, और जाना था कि परीक्षण उसका किस प्रकार से किया जाता है। परीक्षण का मतलब बच्चों ये होता है कि वो जो कोई पदार्थ है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे और उसके परीक्षण के बारे में भी जानेंगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है वो शरीर में वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है, हमारे शरीर को बढ़ाने में और शरीर में जो टूट फूट हो जाती है उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि आपको कुछ खाद्य पदार्थ के नाम याद है जिससे प्रोटीन मिलता है, तो अगर नहीं पता तो अभी आप जान भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत है उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। अब देखो जिन बच्चों को स्कूल से वर्कशीट मिल रही है, ठीक है, वो तो इजिली जो है वो टिक कर देंगे, है ना, लेकिन जिन बच्चों को लिंक प्रोवाइड हो रहा है तो उनको कॉपी पे करना है, तो वो या तो उसकी पिक्चर बनाए, ठीक है, अगर वो पिक्चर नहीं बनाना चाहते तो पिक्चर को पेस्ट कर दें, और अगर पिक्चर भी उन्हें पेस्ट नहीं करनी तो वो पालक मूंगफली इस तरीके से सबके नाम लिखकर उसके आगे टिक लगा दें, ठीक है, क्योंकि इसने रोम के बारे में नहीं बोला, तो जिस जिस में प्रोटीन पाया जाता है आप उस पर टिक लगा देंगे, जैसे पनीर में भी पाया जाता है और गेहूं में भी पाया जाता है, ठीक है, तो इन दोनों में नहीं पाया जाता तो आप इसको क्लिक नहीं करोगे, टिक नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन उतारना है, फिर आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें बोला गया कि प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है, दूध से, मांस से, मछली से, सेम से, पनीर से और अंडे की सफेदी से। पनीर और अंडे की सफेदी तो हमने यहाँ भी देख लिया बच्चों, है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें बोला गया कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। देखो आप परख मिली में थोड़ी सी मात्रा में खाद्य पदार्थ को ले लीजिए, फिर उसमें पानी की कुछ बूंदे मिला लीजिए। क्या मिला लीजिए बच्चों, पानी की कुछ बूंदे आपको मिलानी है, ठीक है, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा भर दो उसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको केवल कॉपर सल्फेट, ये जो रसायन है जो केमिकल है, इस कॉपर सल्फेट की आपको केवल दो ही बूंदे मिलानी है। कितने मिलानी बच्चों, दो बूंदे, और कास्टिक सोडा विलयन की आपको 10 बूंदे मिलानी है, ठीक है। फिर इसे अच्छे से हिला लीजिए, फिर कुछ मिनटों तक इसे स्थिर छोड़ दे, मतलब ऐसे जैसे पड़ा रहने दीजिए। अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया तो हम बोलेंगे उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये पिक्चर बनी हुई, ऐसा कलर हो जाएगा पर्पल कलर का। अब प्रोटीन का कार्य क्या, अभी हमने पढ़ लिया था कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने एक साथ लिख दिया था और लगाना भूल गए थे, ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने दोबारा से लिखा ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर मैंने लाइन से आपकी हेल्प के लिए पूर्ण को अच्छे से कर रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला ये देखो मैंने यहाँ पर जो है ना आंसर करे, आप क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लेना। प्रोटीन के अधिकता वाले दो भोज्य पदार्थ बताइए जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो दालें और पनीर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन के दो स्रोत के नाम लिखिए, तो आप दूध, मछली, दालें, पनीर भी लिख सकते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था, है ना, और मैंने आंसर भी लिख रखा है। फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, उसके बाद है प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शरीर तंत्र में क्या होगा। अगर हम अनुचित मात्रा में प्रोटीन का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर का जो शारीरिक तंत्र है वो कमजोर हो जाएगा और हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाएंगे, यानी कि आप प्रोटीन खाते रहेंगे, तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों में से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे, बोलोगे नहीं होंगे, क्या होंगे, नहीं, क्योंकि देखो इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ही है और आपको विटामिन भी चाहिए, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के भोजन खाने चाहिए। ये नहीं कि रोज एक ही प्रकार का भोजन खाते रहे अगर हमें पसंद है तो, ठीक है,
बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है, संतुलित आहार बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह से मुझसे जुड़े रहना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।